इग्नोर किया। में से कितने पेरेंट्स होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और पिछले 6 महीने से SSB की जो है एडवर्टाइजमेंट की वो देख रहे हैं कि कब होगी और हमारे बच्चे जो है रोजगार में आएंगे, लेकिन बड़ी अफसोस है कहना पड़ता है कि पुंछ की तरफ कोई निगाह नहीं आई। सारी पोस्टें जो है कश्मीर, तमाम जितने भी नौजवान है पढ़े लिखे उनके गले घूटे जा रहे हैं और गलों के ऊपर एक दिन के लिए 100-200 लड़का आप लाओ, हम बाजार भी बंद करके आपका साथ देंगे। इस गवर्नमेंट के खिलाफ वैसे भी इनकी पॉलिसीज जो हैं वो टोटली रॉन्ग और गलत हैं, उनके खिलाफ एहतजाज किया जाए और खास करके जो हमारा एजुकेशन निज़ाम है इसको दुरुस्त किया जाए। हाय हाय। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज नौजवानों की तरफ से जो एहतजाजी मुजाहरा यहाँ पर किया जा रहा है, मैं SSB की उस एडवर्टाइजमेंट जो पिछले दिनों कल की डेट में उन्होंने की है, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, हमने कल भी ये पॉइंट जो है पार्टी मीटिंग्स में अपने MLC से और अपने सरपरस्त आला जितनी भी हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हमने उनसे ये कह दिया है। और मैं ये आपको कह देना चाहता हूँ कि इसी एडवर्टाइज नोटिस में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2 या 3 दिन के अंदर जितनी भी हमारी खाली वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर पड़ी है, हमने रात को भी कहा है पुंछ में एजुकेशन ऑफिसर से कि फौरी तौर पर जितनी खाली पोस्टें हैं वो सर्विस। ये ऐसा है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है उसकी हमने कड़ी मजम्मत की है और पर्टिकुलरली हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, जो डायरेक्टर है, क्योंकि ये होली सोली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ एजुकेशन ऑफिसर की है कि उसको जितनी भी पोस्टें होती हैं डिस्ट्रिक्ट में वो रेफ़र करनी होती हैं SSRB में, उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट होती है। लेकिन जो कुछ भी रीज़न रही हो इसकी तो होली सोली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और हम ये चाहते हैं कि अगर इसी किस्म को री एडवर्टाइजमेंट ना हुई तो इसी चीज़ को अगर बरकरार रखा गया तो आने वाले वक्त में हम ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे जिसकी इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की होगी। बताते चलूँ कि नौजवानों के साथ अगर स्टेट में देखा जाए तो पूरी स्टेट में नौजवानों के साथ क्या हो रहा है ये सब लोग देख ही रहे हैं। आज जो मिलिटेंसी अरूज पे है तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मिलिटेंसी का देन है ये भी लीडरों का देन है। ये लीडरों की एक पॉलिसी बन गई है कि यहाँ के यूथ को डिस्टर्ब किया जाए, जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर हालात खराब किए जाएँ। और आज जो SSRB ने स्पेशली जो कुछ डिस्ट्रिक्ट को जो अवॉइड किया है, क्या यहाँ का यूथ एजुकेटेड यूथ यहाँ के नहीं है? पढ़े लिखे PhD लोग, बड़े बड़े हायर क्वालिफाइड लोग यहाँ पे मौजूद हैं और SSRB यहाँ ड्राइवर की पोस्ट देती है, लाने तो SSRB पे। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लीडर्स को मैं बता देना चाहता हूँ, क्या हमारे यहाँ इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हैं, यहाँ MLAs हैं, यहाँ MLCs हैं, क्या MLCs और MLAs को ये पता नहीं कि वहाँ की पब्लिक कितनी सब्र हो रही है? ये MLAs और MLCs इन लोगों का काम होता है कि असेंबली में जाके बोले, अपने लोगों का काम करवाएं। इनको इतना एहसास भी नहीं है भाई कि कम से कम आप और हिसाब से देखो जाओ, डेवलपमेंट के लिहाज से देखो जाओ, यूथ को पीछे किया उन्होंने।